सर यू कैन स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ दिनेश कुमार सैनी फ्रॉम पीपीटीसी एमएसएमई मेरठ। माई जॉब रोल कैड ऑपरेटर, और मैं अपने सेंटर में फिलहाल कैड ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और मैं बच्चों को यहाँ पे ऑटो कैड, सॉलिड वर्ल्ड, क्रियो, कैटिया, यूनिग्राफिक, ये है मेरे सॉफ्टवेयर जो मैं बच्चों को सिखाता हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कैड। कैड क्या होता है? कैड की फुल फॉर्म होती है हमारी कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं वो हमारा, उसको हम कैड बोलते हैं। जो भी काम हम पहले मैनुअल वर्क करते थे, मैनुअल बनाते थे, उसको आज हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, तो वो हमारा होता है कैड। ठीक है, इसमें एक वर्ड होता है कैम, आपने सुना होगा कैम, CAM कैम। कैम क्या होता है? हमारा कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, हम कैड पे अपना जो भी ड्राइंग है उसको बना के और उसकी प्रोग्रामिंग जनरेट करके हम कैम पे उसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। एज ए, अगर हम गारमेंट्स इंडस्ट्री में ही लें तो हम पैटर्न बनाने के बाद हम ऐसा एक सॉफ्टवेयर, अगर कोई हमारे पास अवेलेबल हो कैम में, तो हम उसको कैम, उसकी प्रोग्रामिंग करके और जो उसका कटिंग वर्क होगा, गारमेंट्स का जो कटिंग वर्क होगा, उसको मैनुअल ना करके उसका पैटर्न बना के उसकी प्रोग्रामिंग करके उसको मशीन के थ्रू हम कट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये ऐसा नहीं है कि कैड जो है सिर्फ ओनली गारमेंट्स में यूज होता है, सभी जो फील्ड होते हैं हमारे, जो ट्रेड हैं, आपका गारमेंट्स है, आपका मैकेनिकल है, आपका सिविल है, आपका ज्वेलरी डिजाइन है, तो सभी एरिया में, सभी ट्रेड में हमारा जो है ना कैड सॉफ्टवेयर का यूज होता है और कैड भी हमारी ड्रॉइंग और डिजाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, सभी ट्रेडिंग वाइज, सभी इंडस्ट्री में अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर हम गारमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे टूका कैड है या कोई दूसरे अदर सॉफ्टवेयर हैं। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में बेसिक सॉफ्टवेयर से स्टार्ट हो जाता है, ऑटो कैड है, यूनिग्राफिक्स, कैटिया, सॉलिड वर्क, तो वहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर हैं। सिविल में बात करें तो सिविल में मायार्थ, स्टड प्रो, इस तरह के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सभी फील्ड में हमारे अलग अलग कैड डिजाइन सॉफ्टवेयर हैं। तो अगर हम कहीं भी सीखने जा रहे हैं कि मैं कैड सीख रहा हूँ, तो हमें बताना पड़ेगा कि आप कैड किस फील्ड में सीख रहे हैं, आपका कैड क्या है, आपका कैड सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे गारमेंट्स वर्क की कर रहे हैं तो हम यहाँ पे टूका कैड सीख रहे हैं, टूका कैड हमने सीखा है। ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या है, हमारा कैड के बेनिफिट्स क्या हैं, तो कैड हम क्यों करते हैं, हम मैनुअल वर्क नहीं कर सकते, हम मैनुअल पहले भी तो जो है ना पैटर्न अगर बना रहे हैं तो मैनुअल पैटर्न बना रहे हैं, ड्राइंग अगर बना रहे हैं तो मिनी ड्राफ्टर से बना रहे हैं, तो हम कैड का ही क्यों यूज कर रहे हैं, हमने कैड क्यों सीख रहे हैं, क्या क्यों रिक्वायरमेंट है। कैड से हमारा क्या होगा, हमारा टाइम सेव होगा। अगर हम कोई भी पैटर्न अगर हम बना रहे हैं, मैनुअल पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है, तो उससे हम उसको कैड पे इजी तरीके से बना सकते हैं, इजी वे में बना सकते हैं उसको, उसको एक्यूरेसी से बना सकते हैं, और उसके उसको सेव करना हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। उसको अगर हमने पैटर्न बनाया तो उसको रख रखा, उसको रखना, वो हमारे लिए बहुत ट्रिपिकल है। पता लगा कि एक महीने में या जो है ना हमारे 10 पैटर्न हमारे अम्मी को रेडी करने थे, 10 पैटर्न हो गए, तो उन 10 पैटर्न को हमें जो है ना सेव करके रखना पड़ेगा। टूका कैड में क्या है, या कैड में क्या है, कैड में हमने वो ड्राइंग को हमारा जो है ना सॉफ्ट में सेव रहेगा, और सॉफ्ट फाइल को हम किसी को हमें शेयर करना है, किसी बायर को हमें भेजना है, हमें अपना वर्क कराना है, तो हमें उसको पैटर्न भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसको उसका सॉफ्ट कॉपी, उसका PDF बना के उसको शेयर कर देंगे। उसके बाद भी अगर आपको आज आपने कोई वर्क किया और 6 महीने बाद आपको उसमें कुछ एडिट करना है, उस पैटर्न में कुछ एडिट करना है, साइज में कोई प्रॉब्लम है, उसमें चेंजिंग करना है, तो हम कैड में अपनी फाइल को ओपन करके उसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट्स है। ठीक है, तो टूका कैड भी हमारा सॉफ्टवेयर है। टूका कैड में गारमेंट्स कैड में हम टूका कैड सीखा हमने, उस पर ट्रेनिंग देंगे, तो हमें टूका कैड एक 2D सॉफ्टवेयर है, 2D सिर्फ, उस पर ओनली हम 2D में वर्क कर सकते हैं। 2D हमारा होता है इसमें 2 डायमेंशनल, X और Y। हमने टूका कैड में जो वर्क करना है वो X और Y में वर्क किया है। ओके, 3D भी हमारा कैड में, हम देखें तो कैड हमारा 3D भी होता है, जो हम डिजाइन करते हैं वो 3D में भी होता है। 3D में हमारा XYZ, ठीक है, हमको X और Y Z में हमने वर्क करना है, हम उसको डेप्थ भी दे सकते हैं, उसको 3D में भी उसको हम शो कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि इसका जो बेनिफिट्स है, सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि हम उसको अपनी जो सॉफ्ट फाइल है, अगर हमने आज मैं अगर मेरठ में बैठा हूँ और मेरे को जो है ना बेंगलोर में किसी को अपना डिजाइन
शेयर करना है, तो मेरे को अगर पैटर्न होगा तो मैं पैटर्न उसका मैनुअल पैटर्न बनाऊंगा, फिर उसको जो है ना वहाँ पे जो है ना कोरियर करूंगा या किसी दूसरे में मीडियम से उसको वहाँ पे भेजूंगा, तो उसमें टाइम लगेगा। और अगर मैंने उसको कैड पे बनाया ड्राइंग को, उसको पैटर्न को हमने कैड पे बनाया, तो उसको हम उसका सॉफ्ट कॉपी उसका पीडीएफ बना के उसको हम शेयर कर सकते हैं। एंड देन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम भी है, अगर किसी को हमने इसको चेक करने के लिए भेजा है और उसने चेक करके बताया कि नहीं इसमें इस तरह ऐसे नहीं, इसको ये डायमेंशन कर दीजिए या ये साइज कर दीजिए, तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है, उसको सेव कर सक उसको हम चेंज कर सकते हैं और हमारा टाइम इसमें सेव होता है। इसको हम अगर आप मैनुअल पैटर्न बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और हम अगर हम अपना कैड पे अगर ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें हम उसको कम टाइम में हम उसको बना सकते हैं। ओके दिनेश जी, ये तो हुआ सारा इम्पोर्टेंस के बारे में। यस थोड़े मैम, मुझे टूल्स के बारे में, या आपने कौन सा नया इसमें क्या नया सीखा है, या एग्जैक्ट मतलब क्या बोल सकते हैं जो आपको अच्छा जो टूल लगा है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक बताए, टेक्निकली कुछ कैड के बारे में बताइए। ओके मैम, मैं पहले से जो है ना ऑटो कैड पे मैं ट्रेनर हूँ यहाँ पे, तो मैं ऑटो कैड सीखा है। लेकिन मैं टूका कैड में बात करूँ तो टूका कैड में मेरे को सबसे अच्छा लगा कि हम कोई भी साइज है, हमने उसका एक्स और वाई डायमेंशन देके, एक्स और वाई डायमेंशन देने के बाद हम उसमें जो भी हमारा उसमें जैसे शोल्डर है, हमें शोल्डर का इतना रखना है, हमें निक का विड्थ इतना रखना है, निक की हमें बैक फ्रंट ड्रॉप इतना करना है, उसको बैक हमें बैक ड्रॉप इतना करना है, ये डायमेंशन उसमें हम दे सकते हैं और ये बहुत इजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर मैनुअल की हम बात करेंगे तो मैनुअल में हमें जो है ना उसको मार्किंग करना पड़ेगा, है ना, मार्किंग करेंगे, मार्किंग करने के बाद उसको फिर हमने कट करेंगे, तो वो बहुत जो ना एक हार्ड वर्क है। और अगर हम टूका कैड में अगर हम काम करेंगे तो सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में। मैंने भी अगर अभी मैंने जो है ना मैम से सीखा है, मैंने पहले कभी टूका कैड के बारे में नहीं सुना था, मैं दूसरे सॉफ्टवेयर काम कर रहा था। स्टार्टिंग में फर्स्ट डे मुझे भी थोड़ा हार्ड लगा कि ये पैटर्न कैसे बनेगा, ये क्या है, लेकिन एक दो दिन के बाद जब हम इस पर काम करने लगते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो ये हमें ईजी होने लगेगा। और अभी भी हमने आगे हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे को नहीं लगता है कि ये कुछ हार्ड है ना, तो हम इस पर हम काम कर सकते हैं। ओके, तो सर आपको ये कैड ऑपरेटर के लिए या जो भी गारमेंट के लिए हमने टूका कैड का यूज किया है, उसके लिए पैटर्न मेकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, राइट? तो आपको क्या क्या नॉलेज है कि कैसे पैटर्न कैसे बनते हैं, क्या क्या साइजेस होती है, उसके बारे में क्या बताएंगे मैम, हमने भी मैम ने हमें पढ़ाया पैटर्न के बारे में, पैटर्न क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो जैसे हमारे साइज होते हैं, हमारा एक्स साइज है, हमारा एक्सेल साइज में बनाना है, हमें मीडियम में बनाना है, हमें एस साइज में बनाना है, तो ये हमारे साइज है, इन साइज में हम अपना पैटर्न को रेडी करेंगे। ठीक है, पैटर्न अगर हमारा रेडी हो गया, हमने पैटर्न में कि हमारा ये डिजाइन है, ये हमारा पैटर्न है, ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया, अब हमें जो अपना गारमेंट्स कटिंग करनी है वो हम उस पैटर्न से करेंगे फिर। जी, मैं साइजेस के बारे में बात कर रही हूँ, तो आपने बेसिक आउटलाइन मुझे बताई कि प्रॉपर साइज क्या था। सपोज आप मीडियम साइज आपका बेसिक साइज है, हम पैटर्न उसके रिगार्डिंग बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या साइजेस यूज की जाती है, नंबर आप बता पाएंगे मुझे? हम मीडियम साइज में अगर हमने एक टी शर्ट अगर हम लेते हैं तो हम उसकी जो लेंथ है, जो बेसिक लेंथ है, वो उसमें हम लेंगे इसमें 58 सेंटीमीटर। अच्छा, ओके, और लेंथ आगे। ऑफ शोल्डर ऑन मैक्सिमम बेसिस हम लेंगे उसमें 56। अच्छा, और नेक के बारे में क्या बात करेंगे आप? और मैम नेक के बारे में हम इसमें सर देख के नहीं बताना है ना, आपको पता होना चाहिए ये सब। अच्छा, ओके, मुझे थोड़ा अगर हम इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें, तो जो स्प्रेडिंग होता है, फैब्रिक स्प्रेडिंग, जहां पर टेबल पर सब ऐसे स्प्रेड, क्योंकि पैटर्न तो ये ऐसे कट करेंगे हम, राइट? तो इसके बारे में आपको क्या पता है, कुछ नॉलेज है कटिंग करने के लिए मैम? कटिंग करने के लिए स्प्रेडिंग रखता है वो सारे टेबल पर, जी, वो क्या कैसे, उसमें शायद दो रहती है, दो या तीन स्प्रेडिंग कर सकते हैं, मैनुअल कटिंग मशीन कटिंग, तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या जानकारी है?
मैम, मैंने जैसे देखा है हमारे यहाँ पे जो ना इसके स्टिचिंग सेक्शन है, तो हमारे यहाँ पे मैंने जो देखा है काम किया है, तो जो टेबल लगा के हमने उस पे गारमेंट्स की कुछ लेयर लगा लेते हैं, है ना, जो भी हमें गारमेंट्स कटिंग करनी है सेम साइज में। अगर मैंने एम साइज में मेरे को कटिंग करनी है, तो जितना भी मेरे को कटिंग करना है, 100 पीसेस की करनी है, 200 पीसेस की करनी है, तो वो मैंने लेयर में लगा लेना है उसको। लेयर में लगा के उसको जो है ना स्ट्रेट फ्लैट बिल्कुल एकदम से स्मूथ तरीके से उसको अपने टेबल पे लगा लेना है। एंड देन फिर हमने उस पैटर्न को रख के और उस पे जो है ना वो कटिंग टूल्स होता है हमारा, मशीन होती है, उसको मास्टर जी पकड़ते हैं और उसको कटिंग करते हैं जैसे जैसे हमारा पैटर्न होता है। ओके, ठीक है दिनेश जी, थैंक यू, ओके, थैंक यू मैम। सतीश।